हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जो कि सभी को पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1 प्लेट के करीब बेसन। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च, धनिया के पत्ते और प्याज। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1 बड़े साइज का प्याज, 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा से धनिया के पत्ते। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धोकर चॉप कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें टेस्ट के लिए मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम 1 चुटकी जीरा। जीरा डालने से ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक, लहसुन, काली मिर्च और गरम मसाले का पेस्ट। तो चलिए, सारे मसाले को हम डाल दिए हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार काला नमक। काला नमक डालकर आप पकौड़ी बनाइएगा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको बढ़िया से फेंट लेंगे और कुछ देर हम इसको 1 से 2 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम इसको अच्छे से फेंट लिए हैं। अब हम इसको कुछ देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हम गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिए थे। तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके सारे पकौड़े को डाल देंगे और दोनों तरफ से हम इसको बढ़िया से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं पकोड़े को हम बढ़िया से फ्राई कर लिए हैं दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से पकोड़े बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी पकोड़े। अब हम इसको तेल से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना टेस्टी पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बना है, देख सकते हैं। तो पकोड़े को ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बेसन के पकोड़े खाने में। तो चलिए, अब कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1 बर्तन। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी के करीब दही, देख सकते हैं 1 कटोरी से थोड़ा कम लिए हैं दही, ये दही खट्टी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्लेट से थोड़ा कम बेसन। तो दही ना हम ज़्यादा मात्रा में लिए हैं। दही ज़्यादा मात्रा में डालकर कढ़ी बनाइएगा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ी। तो चलिए, अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिए हैं, इसमें एक भी लम्स नहीं है, देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी पानी। तो पानी हम अभी 1 कटोरी डाले हैं इसमें, बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। तो चलिए, अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से फेंट लिए हैं और बहुत ही अच्छे से बेसन और दही का घोल बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं, इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो चलिए, इसको साइड कर देते हैं। अब कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे हम बनाए हैं अदरक, लहसुन, काली मिर्च और गरम मसाले का पेस्ट। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले का पाउडर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए, सारे मसाले का पाउडर इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले का पेस्ट मेरा तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच सरसों, और सरसों डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 चुटकी मेथी। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो चलिए, मिर्च को हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब हम इसको हल्का से भून लेते हूँ। तो इन सारी चीज़ों को चटक जाने के बाद इसमें डालेंगे हम 1 मीडियम साइज के प्याज। तो यहाँ पे ना हम प्याज को लंबे लंबे शेप में कट किए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम प्याज को डाल देते हैं और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देख सकते हैं प्याज को हम बढ़िया से भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले का पेस्ट जो बनाए थे वो डाल देते हैं। तो सारे चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम कम आंच में 1 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए।
तो देख सकते हैं मसाले को हम बढ़िया से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन और दही का जो घोल बनाए थे वो डाल देती हूँ, और साथ ही साथ इसमें हम पानी डाल देंगे। तो जितने पानी की ज़रूरत है हमको उतना पानी हम इसमें डाल देंगे, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा। तो चलिए पानी को हम डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 तेज़ पत्ता और लगातार हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तब तक चलाएंगे कढ़ी को जब तक कि कढ़ी में बढ़िया सा उबाल ना आ जाए, और चलाने से क्या होता है ना कि कढ़ी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देख सकते हैं कढ़ी में बढ़िया से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक ना सबसे लास्ट में डालिएगा, अगर नमक पहले डाल दीजिएगा ना तो कढ़ी फट जाएगा, इसलिए नमक कढ़ी में जब भी डालिएगा तो सबसे लास्ट में डालिएगा, तब कढ़ी नहीं फटेगी। तो चलिए नमक डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पकौड़े। तो कुछ पकौड़े ना हम तोड़कर डाले हैं, कुछ साबुत पकौड़े इसमें डाल दिए हैं। तो पकौड़े डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और 1 मिनट तक हम फिर इसको उबलने देंगे। तब तक मैं इधर कढ़ी में तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, आप घी से भी तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल से तड़का लगा रही हूँ, और आधा चम्मच डाल दिए हैं जीरा और 3 लाल मिर्ची। इन सबको चटकने के बाद इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे काश्मीरी मिर्च पाउडर। तो चलिए इसमें हम काश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, इससे ना कलर आएगा कढ़ी में बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तड़का लगा देती हूँ इसमें, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है कढ़ी में, देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हुआ है। तो तड़का लगाने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है कढ़ी में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी कढ़ी। और कढ़ी को ना हम हल्का सा पतला रखे हैं, क्योंकि अभी खाने में ना हमको बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए हम इसको पतला रखे हैं। खाने वक्त ना ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, देख सकते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने से ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा कढ़ी में। तो धनिया पत्ता को डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और देख सकते हैं कितना टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग ना इस तरीके से कढ़ी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी कढ़ी। तो चलिए इसको हम ढक देती हूँ, और इधर हम बनाए हैं खाने के लिए जीरा राइस। तो मेरा जीरा राइस भी बनकर तैयार हो गया था। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और कढ़ी के साथ ना जीरा राइस खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे धनिया को हम डाल दिए थे चावल में, अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली मेरा जीरा राइस भी बनकर रेडी हो गया है, और इधर मेरा देख सकते हैं कढ़ी का कलर कितना अच्छा आया है, और देख सकते हैं पहले कितना पतला था अब कितना ये गाढ़ा हो गया है। तो चलिए कढ़ी मेरा बनकर तैयार हो गया है, चावल भी बन गया है, अब खाने के लिए थाली तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कढ़ी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब कढ़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स आज की लंच रेसिपी मेरी बनकर तैयार है, देख सकते हैं कितना लाजवाब और टेस्टी कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, और साथ में जीरा राइस देख सकते हैं। तो देखकर किसको किसको मुंह में पानी आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं जब भी बनाती हूँ ना कढ़ी पकौड़ा तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग ना इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से बनाइएगा ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी कि आज की कुकिंग वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक